टीबी एक गंभीर बीमारी है और ये गंभीर बीमारी अत्यधिक गंभीर तब बन जाती है जब मरीज को अस्पताल में सही से इलाज न मिल पाए या फिर इलाज में लापरवाही बरती जाए। अजय नाम का मरीज जो टीबी की बीमारी से ग्रसित है और वो अपना इलाज सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल पंचकुला से लगभग पिछले एक साल से करवा रहा है और बीते ही दिन अजय को जब खून की उल्टियां लगी तो वह खुद ही अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में अपना इलाज करवाने पहुंच गया, जिसके बाद अब मरीज अजय ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि उसे नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 की बजाय कहीं और जाकर अपना इलाज करवाने को कहा जा रहा है और डॉक्टरों द्वारा उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारी टीम ने तहकीकात की तो मामले की जानकारी देते हुए SMO सुवीर सक्सेना ने बताया कि मरीज का स्वभाव ठीक नहीं है और मरीज नशे का भी आदी है और खुद ही अस्पताल छोड़ भाग गया था। इसके बाद जब हमारी टीम मरीज के ही वार्ड में पहुंची तो वहां स्टाफ नर्स ने बताया कि मरीज का स्वभाव बहुत ही अच्छा है और एक गरीब परिवार से और मरीज के बर्ताव में कोई लापरवाही नहीं है। इसका व्यवहार कैसा है वैसे अगर बात करी जाए? ठीक है, व्यवहार तो ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, गरीब सा वैसा बैठा रहता है। ये हमें पता नहीं, हमें तो वार्ड के अंदर ही जो पेशेंट है उसके बारे में। कब से इलाज कर रहे हैं सर? कई बार आया? हाँ, ये हो रहा है, 6 महीने हो गए होंगे इनका, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्वभाव वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट ठीक है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम जो है नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब इंक्वायरी की जाती है कि क्या कुछ पूरा मामला है तो मामला सुनने में आया था कि फिलहाल उसका इलाज जो है चल रहा था और वो मरीज जो है वो खुद ही अपने आप ही यहां से वार्ड छोड़कर चला गया था। लेकिन जब जिस चश्मदीदों की बात करी जाती है या फिर जिस पेड पार्किंग के अंदर जो इम्प्लॉई हैं जो काम करते हैं जहाँ पर ये पेड पार्किंग में जहाँ पर वो व्यक्ति आके बैठा था, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले, पहले वो भी सुन लीजिए। सर, उसको टीबी हुई थी, वो उसका कहना है मेरे को ना बाहर निकाल दिया डॉक्टरों ने, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रहा था, कल भी उसने खून की उल्टी की हमारे सामने। नहीं, सुनने में आया कि वो खुद जो है अस्पताल से भाग गया था वो? नहीं सर, नहीं, वो उसका कहना है भी डॉक्टरों ने मुझे बाहर निकाला है, ठीक है ना, वो यहाँ के बैठ गया। अच्छा, तो क्या वो कोई नशा नुशा भी करता है कोई? नहीं, नशा तो कुछ नहीं करता जी, मैंने तो कभी देखा नहीं। आपने कभी देखा नहीं? कब से जानते हो उसको आप? सर, मैं तो पार्किंग में मेरे आगे पीछे 1-1.5 साल से तो घूम ही रहा है वो। और लेकिन वो नशा नहीं करता कोई? नशा बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर को तो यहाँ तक भी कहना है कि वो नशा है, पूरा नशे का आदी है वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सुना जो पेड पार्किंग के अंदर जो है कर्मचारी उसका कहना है कि जो उसका स्वभाव या फिर जो नशा जिसे कहा जाता है नशा वो नहीं करता है, लेकिन जो SMO का कहना है कि वो नशे का आदी है और लगातार नशा करता है और सिर्फ फिलहाल वो वार्ड को खुद छोड़ के भाग गया था, लेकिन अब जिस तरह से जिसका इलाज चल रहा है वो क्यों वार्ड छोड़ के जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा कि जब उसको वार्ड छोड़ कर गया था, उसके वार्ड छोड़ने के बाद वहाँ पर इलाज किस तरह कैसे किया जाएगा और वहाँ पर डॉक्टर जो नर्स बैठी हैं उन नर्स ने क्या कुछ उनके स्वभाव के बारे में कहा है कि ये मरीज जो है काफ़ी अच्छे स्वभाव का है, उसके स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पर SMO का कहना कि उनके स्वभाव में दिक्कत है और वो डॉक्टरों से लड़ पड़ते हैं और अपने इलाज के अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप ही के बयान जो आपके डॉक्टर कुछ और कहते हैं और जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना कुछ और होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीज है वो उसके ना तो कोई माँ है ना बाप है और एक सफाई कर्मचारी है और उस सफाई कर्मचारी के साथ इस तरह का बर्ताव और इस तरह का व्यवहार और इस तरह का इलाज के अंदर लापरवाही कहीं ना कहीं ये जरूर सबक देता है कि कहीं ना कहीं जो अगर आपके अधिकारियों से संबंध अच्छे हैं या फिर आपके प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर नेताओं मंत्रियों से संबंध अच्छे हैं तो आपका इलाज सही हो सकता है, लेकिन आज अगर बात करी जाती है तो ऐसे कई सवाल उठते हैं। जो प्रबंधन है, जो सेवाएँ हैं, जो सुरक्षा और सेवाओं की जब बात की जाती है वहाँ पर हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के सरकारी अस्पताल किस तरह से लापरवाही दिखाते हैं वो सरेआम नजर आ रहा है। और फिलहाल जो उस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा अपनी बात को रखने के लिए सुनिए इस खबर में। तो जी, क्या आपका? जी जी सर। कहाँ से आए हो? पानीपत से। क्या हुआ था रात में जो यहाँ पे एडमिट हुए थे, यहाँ पे क्या हुआ था? सर, मैं उल्टी खून की आ गई थी, उसके बाद सर एडमिट हो गया था, मैडम ने आई थी, मैंने अपना पूरा इलाज किया, उसके बाद सर सवेरा डॉक्टर आ गया, उन्होंने कहा तू यहाँ बार बार बैठ बैठ ले, मैंने बोला सर अपना इलाज करवाना था, उसके बाद उन्होंने बोला तो धक्कड़ हो यार बोल दिया सर। नहीं, डॉक्टरों का अभी आप जो सुबह आपको डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया था? हाँ जी, मैडम ने बोला सुई खड़ा हो। क्या बोला डॉक्टर ने? ये तो पानीपत चला था, मैंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं सर, अपने इलाज वहीं भरती हो, उन्होंने बोला सर, पर मैंने बोला तू बार बार आता है। तो वीडियो आपकी जो वायरल की थी करवाई थी आपने, उसके बाद से डॉक्टर दोबारा से आपको बुलाकर आपको एडमिट कर लिया दोबारा से? हाँ जी। डॉक्टर का कहना है कि आप नशा करते हो, क्या नशा करते हो आप? मैं जी पहले ने बोला नशा करते हो, नहीं जी मैं कुछ नहीं बोला, मैं नशा नहीं करता हूँ, वो बोलते हैं। डॉक्टर का कहना है कि आप शरारते भी करते हो, आप झगड़ा करते हो डॉक्टर? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, एडमिट रात को हुए थे आप? हाँ जी। एडमिट किसने कराया था? मैडम को।
किसने कराया था आपको एडमिट? पानीपत से आप कोई लेकर आया था या यहीं से किसी ने कराया था? नहीं जी, मैं एक यहीं रहता हूँ पहले। यहीं रहते हो? हाँ जी। कहाँ पे? मैं एक साल हो यहीं रहता। कहाँ पे? मैं इंदर कॉलोनी में रहता। इंदिरा कॉलोनी। क्या काम क्या करते हो? मैं जी कूड़े का काम करता हूँ। कूड़े का? कूड़े का काम करता जी। नशा कोई नहीं करता? नहीं, कुछ भी नहीं सर। यहाँ डॉक्टर से कोई बदतमीजी कोई आपने की हो? डॉक्टर कहते हैं कि आपने बदतमीजी करी है हमारे साथ। कोई झगड़ा किया आपने किसी के साथ? कुछ भी नहीं कर। नहीं जी। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद मरीज को टीवी वाले वार्ड में इलाज के लिए तो एडमिट करवा दिया गया है, पर यहां एसएमओ सुवीर सक्सेना और अस्पताल की स्टाफ नर्स दोनों का ही अलग अलग बयान बहुत कुछ बयान करता है। एसएमओ का कहना है कि मरीज ड्रग एडिक्ट है और उसका व्यवहार भी सही नहीं है, और वहीं पर स्टाफ नर्स का ये कहना कि मरीज का व्यवहार बहुत अच्छा है। अब ये दोनों अलग अलग बयान ये दर्शाते हैं कि एसएमओ ने बजाय संबंधित डॉक्टर को स्टाफ के ऊपर कार्रवाई करने के उल्टा मरीज को उसकी बेबसी पर उसे ही गलत साबित करने का काम किया है।